नमस्कार गाइस, मैं हूं कामिकर और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पीटर के पास आखिर दो इतने हाईटेक सूट्स होने के बाद भी उसने खुद का सूट क्यों बनाया। तो इसकी शुरुआत मूवी के एंड से होती है, जहां स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में पीटर के रिक्वेस्ट पर डॉक्टर स्ट्रेंज सबके मेमोरी से पीटर पार्कर को हमेशा के लिए भुलाने के लिए एक फाइनल स्पेल कास्ट करता है, जिसके कास्ट होने के बाद सभी के दिमाग से पीटर की सभी मेमोरीज, उसके स्पाइडरमैन होने का रिवीलेशन, सब कुछ इरेज हो जाता है। जिसके बाद हम पीटर को उसके लाइफ के नए फेज में जाते देखते हैं, जहां अब वो अपने सभी करीबी लोगों से दूर और आंट मे के घर को छोड़कर एक नए अपार्टमेंट में रहने वाला है। और इसी सीन के आखिर में पीटर अपने नए सूट को भी पहनता है। अब स्पाइडरमैन का ये सूट उसके एमसीयू में अभी तक का सबसे कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट है, जिसे उसने खुद डिजाइन किया है और सिलाया भी है, जो उसके होमकमिंग में दिखे काम चलाओ सूट से काफी ज्यादा अच्छा है। पर अब बात ये आती है कि आखिर पीटर को इस नए सूट की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हमने देखा है कि उसके पास पहले से ही मल्टीपल स्पाइडरमैन सूट्स मौजूद हैं, जिन्हें उसने अभी तक अपनी एमसीयू की जर्नी में कलेक्ट किया है और जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अब इसे मैं सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन टाइप में सॉल्व करूंगा, व्हाट हैपेंड टू हिज सूट। तो स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर के पास इनिशियली 3 सूट्स होते हैं, जिन्हें वो थ्रू आउट द मूवी में पहनता है। पहला उसका रेगुलर सूट, जिस पर पेंट गिरा होता है, इसलिए वो उसे उल्टा करके पहनता है। सेकंड उसका आयरन स्पाइडर सूट, जो नैनोटेक से बना था। एंड थर्ड सूट उसका बेसिकली वही फर्स्ट वाला सूट होता है, बस डॉक्टर ऑक उसे नैनोटेक से डिजाइन करते हैं। अब मूवी के एंड फाइट में पीटर अपना नैनोटेक वाला सूट इसलिए यूज नहीं करता, क्योंकि जब वो डॉक्टर ऑक्टोपस से पहली बार फाइट करता है, तब उसके सूट के नैनोटेक डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल से बॉन्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका आयरन स्पाइडर वाला सूट इनकम्प्लीट रहता है। इसके अलावा पीटर को मालूम ही नहीं होता कि वो नैनोटेक को टेंटिकल से फिर से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो इसकी वजह से वो फाइनल फाइट में उसके पुराने वाले सूट को ही पहनता है। लेकिन अब अगर ऐसा है तो जब डॉक्टर ऑक्टोपस उसके सूट पर नैनोटेक से डिजाइन करता है, तब तो पीटर के पास उसका नैनोटेक वापस आ जाता है। तो फिर उसने उस मिसिंग नैनोटेक को आयरन स्पाइडर में मर्ज क्यों नहीं किया? ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसको ये पॉसिबल है कि नहीं पता ना हो, वो इतना स्मार्ट तो है कि वो ये पता लगाए, तो फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका सीधा सिंपल आंसर है पावर। आयरन स्पाइडर सूट नैनोटेक से बना था एंड नैनोटेक को चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। अब टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट में आर्क रिएक्टर होता था, जो उसे पावर करता था, तो उसे पावर की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन पीटर के सूट में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे अपने सूट को यूज करने के लिए चार्ज करना पड़ता था, जिसका चार्जर ये है एंड जिसे DODC या डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल मूवी के स्टार्टिंग में ही सीज कर लेती है। तो उसके पास अभी सूट को चार्ज करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। ऊपर से ये सूट एक सबसे बेसिक येट सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे चलता है, स्टार्क नेटवर्क, जिससे उस सूट के मोस्ट ऑफ द फीचर्स काम करते थे, जैसे कि एडिट, वो भी उसके स्टार्क नेटवर्क से कट ऑफ करने के बाद ऑफलाइन चली जाती है, तो पीटर उसे भी एक्सेस नहीं कर पाता। रही बात दूसरे सूट की, तो वो दूसरे सूट इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पीटर पार्कर के रिलेटेड उसके सारी मेमोरीज, उसके सभी रिकॉर्ड्स, वीडियोस, इमेजेस, सब कुछ पूरी तरह से डिलीट हो जाता है, विच इंक्लूड्स उसके फेशियल रिकॉग्निशन स्कैन्स एंड फिंगरप्रिंट्स। अब इस नए सूट के पहले पीटर के पास जितने भी सूट्स थे वो स्टार्क टेक्नोलॉजी से बने हुए थे, जिनमें आयरन मैन के सभी सूट की तरह फेशियल रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती थी। और क्योंकि अब पीटर पार्कर की आइडेंटिटी कहीं भी नहीं है और उसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो उसका इन सूट को यूज कर पाना या उसे एक्सेस कर पाना या स्टार्क इंडस्ट्रीज के टेक्नोलॉजी से अपने लिए एक नया सूट बना लेना पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन है। ऊपर से सभी की मेमोरी स्वाइप होने की वजह से वो चाहकर भी सूट बनाने के लिए किसी और की मदद नहीं ले सकता, और जिस वजह से उसने खुद अकेले ही अपने नए अपार्टमेंट में इस स्पाइडरमैन सूट को बनाया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down in New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably 'cause they see me riding in a brand.